डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। हमने एपी जीपीएचपी का कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, उसके बाद हम एक नया लेक्चर इन इक्वालिटीज़ के नाम से लेकर आते हैं। इन इक्वालिटीज़ होता क्या है ये एक बार आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से आपने 3x+4 पढ़ा और उसको आपने बोला कि ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल देते हैं, और अगर 3x+4=0 कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, और अगर इस ही इक्वेशन में अगर मैं 3x+4>0 लगा दूं तो ये जो फॉर्मेट बना ये इन इक्वालिटी बन गया। देखिए इन इक्वालिटीज ये प्लूरल फॉर्म है और ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन मिले तो आप बोलना कि वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, इन इक्वालिटी में चेंज हो गई। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए स्टेटमेंट हैविंग साइन greater than, less than, greater than equal to या less than equal to is called inequality। अब देखिए inequality के questions जो आएंगे, और मैं बता दूं कि inequality का separate question, देखिए definition को एक बार दोबारा से देखो। a statement having sign greater than, less than, greater than equal to, less than equal to is called inequality। अब देखो ये जो inequality जो chapter है इसके questions आपको separate नहीं मिलेंगे, इसके questions आपको मिलेंगे quadratic equation में, और quadratic equation के जो questions होते हैं वो 3 or more questions आपको किसी भी competition exam में या फिर आपके कोई भी board exam में जरूर मिलेंगे या फिर उनका application आता है। तो देखिएगा अगर एक मिनट के लिए इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस की बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं कि ये ट्रिक अगर आपको याद है, लर्न है, तो इनइक्वालिटी चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हल्का बहुत चेंज करेंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ करते चलेंगे, लेकिन प्राइमरी आपको ये ट्रिक कंप्लीट याद होगी तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अगर कभी भी आपको इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नजर आए तो पॉजिटिव साइन को सेलेक्ट करना है। ये पॉजिटिव साइन क्या होता है इसके बारे में आपको जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उस टाइम डिटेल में बताऊंगा। ऐसे ही लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो तो वहां पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन हो तो हम वहां पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे जिसको आप छोटा ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं। इनफिनिटिव या माइनस इनफिनिटिव कहीं भी हो तो वहां पर भी हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। लेस देन ग्रेटर देन हो तो वहां पर हम ब्लैंक सर्कल का यूज करते हैं, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है वहां पर हम डार्क सर्कल का यूज करते हैं, और अगर कहीं आपको ब्लैंक सर्कल नजर आता है तो वहां पर ओपन इंटरवल, और जहां पर डार्क सर्कल आता है वहां पर क्लोज इंटरवल का यूज करना है। देखिए ये जो आपको मैंने ट्रिक लिखवाई है ये 90% तक वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आगे जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा उस टाइम इसमें हल्का हल्का चेंज आएगा, उसको हम धीरे धीरे समझते चलेंगे क्योंकि स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं कराता हूं, 3x-14 = 22, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे देखिए। सबसे पहले इसमें हमें x की इंटरवल या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे 3x > 22 + 14, ये आप इक्वेशन में भी करते थे, ऐसे ही 3x > और ये आपके पास हुआ 36, तो x ग्रेटर इक्वल टू 36
36 अपॉन 3 और यहां से आया x ग्रेटर इक्वल टू 12, ये आपके पास आ चुका है। देखिए अभी आपने जो इनइक्वालिटी लिया, इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन यूज हो। अगर इक्वल टू जीरो इक्वेशन और इक्वल टू जीरो नहीं आए तो वो एक एक्सप्रेशन होता है। अगर वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इसे देखिए 3x-14 ग्रेट इक्वल टू 22, इसमें हमने क्या किया है, सेपरेशन किया है। सेपरेशन किया तो 14 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव साइन कन्वर्टेड पॉजिटिव साइन और 22+14 क्या हुआ 36। अब यहां पर आप 3 का डिवाइड करो तो एक डिवाइड किया तो आपको ये मिला। अब देखिए आपको अब इसके बाद नंबर लाइन पर लेना है और वो कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। ये आपने लाइन को ड्रॉ किया, यहां पर आपको माइनस इंफिनिटी और यहां पर आपको प्लस इंफिनिटी लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद आपको जो लास्ट में आप जब वैल्यूज को इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम आप एक काम भी कर सकते हो, आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा कर देता हूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x-12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, आप x-12 इक्वल टू 0 कर लो। क्या कर लो, x-12 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या है x इक्वल टू 12। ये किसके लिए किया हमने, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट को ही यहां पर रिप्रेजेंट करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब देखिए आपने देखा कि यहां पर कौन सा साइन यूज किया है अपन ने, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में कैसा सर्किल यूज करते हैं, डार्क सर्किल। देखिए डार्क सर्किल है तो मैं यहां पर कैसा सर्किल बना दूं, डार्क, ये डार्क सर्किल बना दिया। इस जो ट्रिक में लिखवाया है उसको ही ध्यान से देखना, लास्ट में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आया, डार्क सर्किल, तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, डार्क सर्किल। अब देखो अगला स्टेप बनता है कि प्लस माइनस कैसे यूज करें। आप एक काम करिए, इस वाले में अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, अब क्वेश्चन हमारा यहां है, यहां से सॉल्व होगा क्योंकि हमने ऊपर वाले को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो x-12 है तो आप 12 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू को असम करो, क्योंकि आपको पता है माइनस इनफिनिटी से 12 का मतलब है 12 से स्मॉल क्वांटिटी यहां पर है, स्मॉल नंबर यहां पर है, और 12 से ग्रेटर देन आपको इधर मिलेंगे, तो आप 12 से ग्रेटर देन कोई भी असम कर लो। मान लो मैंने 15 लिया, तो देखो 15 माइनस 12 क्या आया, 3 किसका है, पॉजिटिव का। आप 15 नहीं लेना चाहते 30 ले लो, 30-12 क्या आया 18, और वो भी किसका आया, पॉजिटिव का, तो आप यहां पर क्या लोगे, पॉजिटिव कंप्लीट। उसके बाद देखिए अब आपको माइनस इंफिनिटी से 12 तक चलना है। अब सबसे इजी जीरो लेके देखो, 0-12 क्या होगा, -12 किसका है, नेगेटिव का, तो आपको यहां पर नेगेटिव साइन यूज करना है। यहां तक मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपको मैंने ट्रिक में लिखवाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू में आप कौन सा साइन यूज करते हो, पॉजिटिव का साइन, तो इसका मतलब आपका आंसर ये वाला होगा। उस ट्रिक पर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड है और मैं बार बार बोल रहा हूं इनइक्वालिटी इस पर 90% डिपेंड करेगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो मान लेना कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए अब जो पॉजिटिव साइन आया नेगेटिव साइन आया ये मैं बता चुका, आंसर अपना ये होगा। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू, हमारा आंसर कहां से कहां तक होगा, 12 से और इनफिनिटिव तक। अब इनफिनिटिव पे क्या आता है, इनफिनिटिव या माइनस इनफिनिटिव पे क्या आता है, स्मॉल ब्रैकेट, तो देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया मैंने। उसके बाद जब आपको डार्क सर्किल मिले, डार्क सर्किल पे कौन सा ब्रैकेट यूज करते हो, ये लो क्लोज्ड इंटरवल, और आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप इस आंसर को दोबारा से देख लो,
माइनस इनफिनिटिव इनफिनिटिव, केवल आपको क्या लिखना है इस नंबर लाइन पर, केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट को लेना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है अपना, 12 आया। अब उसके बाद प्लस माइनस कैसे लिया, केवल यहाँ पे देखा 12 और इन्फिनिटिव है तो 12 से ग्रेटर देन अपने मन में अज्यूम कर लो। मान लो मैंने 25 लिया तो 25 माइनस 12 क्या होगा, 13, और 13 क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस लगा दिया। ऐसे यहाँ पर आप 12 से कोई भी, माइनस इन्फिनिटी से 12 है तो 12 से कोई भी स्मॉल पॉइंट नंबर लो तो क्या होगा, आप 0 लिया तो 0 माइनस 12 क्या होगा, माइनस 12 किसका आया, नेगेटिव का। अब देखो इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, अब आप चले ग्रेटर देन पर, ग्रेटर देन पर इधर देखे तो क्या आया, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ही हमारा आंसर है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है। अब हमने क्या किया, 12 से लेकर इन्फिनिटिव लिखा। अब इन्फिनिटिव पे देखो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है तो मैंने देखो इन्फिनिटिव पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां पर मैं आधा तो यूज नहीं कर सकता था, मैंने स्मॉल ब्रैकेट का मतलब एक तरफ, ये हो गया। अब उसके बाद देखो 12 पे क्या है, डार्क सर्किल, 12 पे डार्क सर्किल है, डार्क सर्किल पे क्या आता है, ग्रेटर क्लोज इंटरवल आता है, क्लोज इंटरवल मतलब बड़ा ब्रैकेट आता है। आपने अब यहां पर 12 पे क्या लोगे, बड़ा ब्रैकेट, और यही आपका आंसर है। एक बार चीज समझो कि आपको जब ऐसा मिलता है यू, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका फंक्शन है वो ए पर भी डिफाइन है, बी पर भी डिफाइन है, और ए और बी के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं उन पर भी फंक्शन डिफाइन है। और अगर ऐसा आता है तो उसका मतलब फंक्शन केवल और केवल ए और बी के बीच के पॉइंट्स पर डिफाइन है, ए पर डिफाइन नहीं है, बी पर डिफाइन नहीं है। और अगर ऐसा आता है उसका मतलब यह है कि फंक्शन ए पर भी डिफाइन है, बी पर डिफाइन नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन होगा। और अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब है, यू आता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन ए पर डिफाइन नहीं है, बी पर डिफाइन है, और ए और बी के बीच के जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उस पर भी डिफाइन है। कहने का मतलब यह है कि ए और बी के बीच के पॉइंट्स पर तो फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा, अगर क्लोज इंटरवल होगा तो उस पॉइंट पर भी डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे ये है, यहां तो क्लोज इंटरवल है ही नहीं, तो मतलब पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है, यहां पर पॉइंट्स पर डिफाइन होगा, यहां पर इस पॉइंट पर डिफाइन होगा, इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, इस पर हो जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।